मेरा परम चित्र एक है, एक बहुत सुंदर। और ये जो सम्मान हो रहा है हमारे परीक्षित जी के द्वारा सभी श्रोताओं का और सभी हमारे भक्तों का सम्मान, हाँ इंस्ट्रूमेंट कलाकार और परीक्षित जी के द्वारा सभी लोगों का सम्मान बहुत सुंदर, यही भाव होना चाहिए कथा का। ध्यान देना, किसी ने लिखा है तुलसी मक्खन के पिए घटे न सरता, ये हमने नहीं लिखा है ना, हमने बनाया है। तुलसी मक्खन के पिए घटे न सरता नीर, और धर्म करे ना धन घटे जो सहाय। भगवान की कृपा होती है तो आप कितना भी पैसा धर्म में खर्च कर दे आपके पास कभी कमी नहीं है। धर्म करे ना धन घटे जो सहाय रघुवीर, धर्म करने से कभी धन की कमी नहीं होती है। ध्यान देना, कथा पर शक भर आ जाए। सती जी को भगवान राम ने देखे शिवबिन विष्णु अनेका परम चित्र एक एका। परीक्षित जी इसके बाद क्या दिखाया भगवान, ये सीन हटाए ली। सती विधात्री इंदरा अदेखी अमित अलोक, जय जय सूर्य अजाद कल ते तन अनुरूप। भगवान राम ने सती जी के हजारों रूपों को देखा और सती जी ने स्वयं अपने हजारों रूपों को देखा तो भ्रमित हो गई। भगवान ने अपनी माया को समेटा, सती जी भोले बाबा के पास गई। भोले बाबा ने पूछा का ये बता परीक्षा ले आई, तब नारी का ये स्वभाव होता है नारी का एक स्वभाव होता है कि झूठी बहुत जल्दी बोलती है। झूठी बोले और कसम कहे, अम्मा कसम आखिन कसम। भोले बाबा बोले परीक्षा ले आए तो सती जी कहा कह रही है, कछु ना परीक्षा लीने गुसाई, कछु ना परीक्षा परीक्षा अलीन गुसाई। सती जी कह रही है अपीन तुम्हारे बोले बाबा ने कहा अगर तुमने हमारे नहीं प्रणाम किया होता तो वहां अकेले में क्या करने गई। तब शंकर देखे उधर ध्याना और सती जो कीन चरित सब जाना, और सती कीन सीता कर भेषा। बोले बाबा बोले अच्छा, सीता तो मेरी इष्ट माता है और उसने मेरे माता रूप धारण किया सती ने। तब भोले बाबा ने क्या किया, शिव संकए तो कीन मन माही या तन सती ये भेंट संकल्प तीन मनवाही या तन सती भेंट अब नहीं।
भोले बाबा बोले तुम चली जाओ तो मरी, अब ना जाओ तो मरी काए, शिव संकल्प कीन मरमाही, या दल सती भेंट अब। एक बात बताएं, भोले बाबा ने कहा या दल सती भेंट अपनाई, अगर पति पत्नी का प्रत्याग कर दे छोड़ दे तो पत्नी भले ही जिंदा बनी जाए, अगर पति प्रत्याग कर देता है तो वो मरे के ही समान है। इनाई भोले बाबा ने कहा तुम चली जाओ तो मरी, ना जाओ काए, शिव संकल्प कीन मरमाही, या तन सती भेंट अब ना। लेकिन सती जी ने कहा भोले बाबा से कि हम पिता के यज्ञ में जाएं जरूर। क्या कह रही हैं? पिता भवन उत्सव परम अजो प्रभु आयुष हो तो मैं जाओ कृपायतन सादर देखन। तो ये क्या है? ये है त्रियाहाट। क्या है त्रियाहाट? अब परिचिति हट कितने प्रकार की होती है? हट तीन प्रकार की। लल्ला, ये बेकार में लगाए रहे चितौर रहे लोग भागवत को ही नहीं सुन। आज देता हूं देव तो बढ़िया बात, लेकिन बाद नहीं देते भाई, चितौर रहे देख रहे कब मिले। ध्यान देना कथा प्रसंग पर। भगवान शंकर ने मन में संकल्प क्या किया? शिव संकल्प कीन मनवाही, यातन सती भेंट अब ना, तुम चली जाओ तो मरी और ना जाओ। हट तीन प्रकार की होती है, राजहट, पालहट, त्रियाहट। राजहट का मतलब राजा अगर अपने जिद पे उतर आए भैया कि हम इसे फांसी दी तो फांसी दे दी है। बालहट बच्चा, छोटा सा बच्चा अगर जिद कर जाए गांव में बर्फ पिछले वाले आओ तो वो गाय बर्फ लियो तुम्हारे पास पैसा ना हो तो वो रोए उले गिरे सब काम करे। लेकिन याद रखना तुम्हें चाहे गेहूं की चुहाओ पर है लेकिन ले लिए ये बालक। और त्रियाहट अगर नारी अपने जिद पर उतर आवे, ध्यान देना अगर नारी अपने जिद पर उतर आवे तो तुम यह समझ लो कि बिल्कुल हिलनी लगाएगी। जाबाद में एक बात याद आई हमें परीक्षित जी, एक गांव में सेठ राय और सेठ राय खूब पैसा वालों खूब पैसा राय। अच्छा आपने एक बात देखी है का कि जब पैसा बढ़त तब लोभ ज्यादा बढ़त। बहुत कम ऐसे मिले जो पैसा बढ़े और खूब खर्च कर रहे, बहुत कम। काय के बारे जब पैसा बढ़त है तब लोभ बढ़त। और का पैसा जब बढ़त, अच्छा बढ़त भगवान की कृपा दो कात का हमने बहुत मेहनत कमाओ। पैसा जब बढ़त तब लोभ बढ़त, वैसे जब पैसा बढ़े तब उसको खर्च करो, धर्म के कार्य में लगाओ। हाँ ध्यान देना, तो फिर लोभी बहुत रहा है। और जब लोभी रहा है पड़ोसी गांव से आया निमंत्रण पर छिजी, और जब निमंत्रण आया तो वो निमंत्रण पाने गया सेठ, तो कोई खास व्यवहारी रहा है। और खास व्यवहारी नहीं नहीं चलती बेरा पांच लड्डू दे दे सेठ को, पांच लड्डू दे दे। और सेठ लड्डू लेके घर आया, सेठानी ने लड्डू देखे खोल के पांच लड्डू राय पांच, और पांच निकले
तो सेठानी काय तीन हम खाएं, और सेठ काय तीन हम खाएं, सेठानी काय तुम खाया, बोलो सेठ बोलो ना हम तीन खाएं, सेठानी काय हम तीन खाएं। अब उनके एक के पीछे लड़ाई, सेठानी ने शर्त रख दी कि जो पहले बोलिए बहुत दो खाए और जो बाद में बोलिए बहुत तीन। सेठ बोलो बोलिए नहीं लेकिन हम खाए तीन है। शाम का वक्त जा बार बार चार बाई के बीच में मेज और मेज के ऊपर प्लेट और प्लेट के ऊपर लड्डू दोनों चार बाई लेटे कटिया पर एक दूसरी बोले नहीं काहे नहीं बोले जो पहले बोल दी बाको एक कम। एक रात हुई नहीं बोले कोई बात नहीं, एक दिन हुई नहीं बोले तो दूसरी रात कहां बतावे सात दिन सात रातें भाई एक लड़ुआ के मारे दोनों नहीं बोले। जब सात दिन से किवारा नहीं खुले तो पड़ोसियन ने सोची हमें लगा सेठ सेठानी मर गई, पड़ोसी कुल्हारी ले और 20,000 के किवारा फारे हैं अभी दोनों परे परे सुने एक लड़ुआ के मारे नहीं बोले। जब किवारा तोड़ के अंदर पहुंचे दोनों सांस शादी पड़ोसियन ने कही देखो ये लड्डुओं की करामात है, इन लड्डुओं में मिलो चहर और लड्डू इनने ले खाए दोनों गए मर। ऐ तो करो गंगा जी की तैयारी, तो दो चार घर छूटे बांस काट ले आए कोई कछू ले आओ। अब दोनों परे परे सुने कि हम गंगा जी जय लेकिन बोले ना एक लड़ुआ के मारे दोनों को तीन डला की नशेनी में कस लो वो बांध लो वो पर छिजी और दोनों को ट्रैक्टर में बल लो वो। गंगा जी के किनारे पहुंचे दो चिता बनाई गई का यह बताओ पहले की को धरे हो चिता तो का पहले सेठानी को काए के सुनो नारी बोही बड़ भाग में है कौन जो पद से पहले मरती है। नारी वो ही बड़ भागिन है जो पद से पहले मरती है, संपूर्ण शास्त्र ये कहते हैं वो भव सागर से। एक बोलो रुको 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 सेठ के घर में राय दुकान पर छिजी और सेठ कबू कबू सौदा सेठानी उधार दे देती थी सेठ नहीं सेठ को धरो चिताब सेठ को चिता के ऊपर रख दिया गया चिता पर रख दिया गया अभी नहीं बोला एक लड़ुआ के मारा है। एक निकाल निकारो दिया सलाई अब दिया सलाई निकारी जो माचिस की भाई सेठ ने देखा अप्राण बचवे वाले नाई तो सेठ ने कहा सेठानी तुम तीन खाए ली जाओ अब तु खाए गांव के लोगों ने कही यार हमें लगा ये जिंदा भूत है भाग चलो बोलो भक्त भगवान की। सब लोग बोले कि मेरो राधा रमण गिरधारी
गिरधारी श्याम बनवारी सती जी कह रही हैं कि मिला भवन सो परम जो प्रभु आयुष हो तो मैं जाऊं कृपायतल सागर देखल शो। परीक्षित जी, भोले बाबा ने देखा ये नहीं मानेंगे तो भोले बाबा ने पांच गढ़ और नंदी को भेज दिया, जाओ। माता सती गई पिता के यहां। पिता भवन जब अब गई है भवानी अब दक्ष त्रास का हो न सन और सादर भले मिली एक माता अब भगनी मिली बहुत मुश्किलाता। भगनी माने बहने, बहनों ने कहा देखो ये बगैर बुलाए चली जाए, हम बुलाई तब आई, ये बगैर बुलाए। लेकिन सती जी को कष्ट नहीं हुआ। सती जी ने विचार किया अगर कोई अपमान कर रहा है तो ये सब मेरे घर के हैं। सती जी को कष्ट दक्ष ने कछ पूछी कुछ लाता, दक्ष भी नहीं बोला, सती जी को कष्ट नहीं हुआ। परीक्षित जी, सती मैया को कष्ट कब हुआ? सती जी को कष्ट कब हुआ? सती जाई देखे मख जागा कतौ न दीख सब कर Thank you.
सती जाए देखो मत ज्यादा कतौ नदीक संभ कर भागा। यज्ञशाला में भोले बाबा का माता सती ने जब स्थान नहीं देखा अपने अपमान को बर्दाश्त करती रही, लेकिन सती जी ने कहा मैं पति के अपमान को कभी बर्दाश्त। यज्ञशाला के पास बैठ गई और सती जी इतनी क्रोध में आई, परीक्षित जी इतनी क्रोध में आई कि माता सती ने अपने शरीर से अग्नि को प्रज्वलित, शरीर धुंधु करके जलने लगा। नारद जी ने बीड़ा उठाई, भोले बाबा के पास पहुंचे, भोले बाबा माला कर रहे थे। नारद जी ने भोले बाबा से कही अब तुम माला लाए रही गए नार मरी